हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो आज का टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन इंट्रोडक्शन रेशो इक्विवेलेंट रेशोस कंपैरिजन ऑफ रेशोस डिवीजन ऑफ अ क्वांटिटी इन अ गिवन रेशो प्रोपोर्शन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन यूनिट्री मेथड्स। नाउ इंट्रोडक्शन In our daily life we come across many situations where we need to compare two quantities of same type for example the following table shows the number of pair of socks of two colors in your drawer socks colors number of pairs black color ki kitni hai 6 and white color ki kitni hai 12 now we can compare it by saying that number of black pairs of socks is 6 less than the number of white pairs of socks this is a comparison by difference dono difference kya ki black socks white socks six kya hai kam we can also compare it by saying that number of black pairs of socks is half the number of white pairs of socks this is comparison by division which is also called ratio here in this chapter we will learn about ratios proportion and unitary method now ratio The ratio compares the two quantities in terms of how many times is one quantity of the other. In general, if A and B are two quantities of the same kind and in the same unit, the fraction A upon B is called ratio. It is written as A is to B. Kasi license. A is to B.

प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे प्रॉपर्टी वन रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म दैट इज ए एंड बी शुड बी को प्राइम्स फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रेशो ऑफ फाइव के जी टू फिफ्टीन के जी फाइव 15 फिफ्टीन ए अपॉन बी के उसमें फॉर्म में लिखेंगे तो फाइव इज टू फिफ्टीन तो दोनों क्या है फाइव से डिवाइड हो रहे हैं फाइव वन साफ फाइव एंड फाइव थ्री जान दैट इज वन इज टू टू तो ये हमारी क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म को प्राइम का मतलब है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए किसी भी कॉमन नंबर से वो डिवाइड नहीं होने चाहिए नौ सेकेंड रेशो ऑफ रुपीज ट्वेंटी टू रुपीज फाइव हंड्रेड ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड दैट मीन ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड तो दोनों में से क्या करेंगे ट्वेंटी वन जा ट्वेंटी ट्वेंटी टू जा फोर्टी ट्वेंटी फाइव जा कितना हुआ हंड्रेड तो वन अपॉन ट्वेंटी फाइव वन इज टू ट्वेंटी फाइव नाउ प्रॉपर्टी टू रेशो एग्जिस्ट ओनली वेन टू क्वांटिटीज आर ऑफ द सेम यूनिट फॉर एग्जाम्पल देर इज नो रेशियो बिटवीन रूपीज थर्टी टू वन मीटर क्यों क्योंकि इसकी यूनिट क्या है रुपीज और इसकी यूनिट क्या है मीटर तो इनमें हम क्या नहीं कर सकते कंपेयर नहीं कर सकते इनको रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर सकते नाउ प्रॉपर्टी थ्री समटाइम्स द क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड मे बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स देन द क्वांटिटीज मस्ट बी कन्वर्टेड इन टू सेम यूनिट्स यूजली बिगर यूनिट इज कन्वर्टेड इंटू स्मॉलर यूनिट एग्जाम्पल से देखते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ द हाइट ऑफ मनोज इज वन मीटर एंड द हाइट ऑफ टीना इज सेवेंटी सेंटीमीटर देन फर्स्ट कन्वर्ट वन मीटर इंटू सेंटीमीटर क्यों क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर यूनिट तो सेम है बट एक बिगर यूनिट और एक स्मॉलर यूनिट तो हम क्या करेंगे बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे क्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर हमें पता है एक मीटर किसके इक्वल है हंड्रेड सेंटीमीटर के देन द रेशर हाइट इज इक्वल टू हंड्रेड बाय सेवेंटी कितना हुआ हंड्रेड बाय सेवेंटी और जीरो से जीरो कैंसिल किया हमने राइट right? तो कितना आया टेन बाय सेवन एंड रेशो में कैसे लिखेंगे टेन इज टू सेवन नाउ प्रॉपर्टी फोर रेशो बीइ अ फ्रैक्शन हैज नो यूनिट्स फॉर एग्जाम्पल रेशो ऑफ टेन सेंटीमीटर टू ट्वेंटी सेंटीमीटर यहां पर हमारी क्या है यूनिट्स गिवन है लेकिन जब हम इनको रेशोज में यूज करेंगे तो यूनिट्स का यूज नहीं करेंगे डायरेक्ट क्या लिखेंगे टेन बाय ट्वेंटी जीरो से जीरो कैंसिल वन बाय टू तो रेशो कितना हो गया वन इज टू टू तो रेशोज में हम यूनिट का यूज नहीं करते नाउ प्रॉपर्टी फाइव ऑर्डर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ रेशो चेंजेस दें द रेशो ऑल्सो चेंजेस अगर हम क्वान्टिटीज का जो ऑर्डर है आगे पीछे करेंगे तो रेशो भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल थ्री इज टू फोर इज डिफरेंट फ्रॉम फोर इंस टू थ्री हमने क्या लिया थ्री इज टू फोर और इसका ऑर्डर चेंज किया फोर इज टू थ्री दोनों क्या है डिफरेंट नाउ प्रॉपर्टी सिक्स रेशो डज नॉट चेंज इ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड हमारा रेशो क्या है फोर इंस टू सिक्स रेशो क्या है फोर इंस टू सिक्स इसको हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा फोर बाय सिक्स और दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो दोनों को क्या किया थ्री थ्री से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या बना नया फ्रैक्शन तो ये हमारा क्या रहेगा रेशो चेंज नहीं होगा, रेशो सेम रहेगा कब अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं ऑल्सो फोर इज टू सिक्स फोर अपॉन सिक्स इज इक्वल टू फोर इज इज डिवाइडेड डिवाइडेड एंड अब हमने क्या किया दोनों को टू से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को तो हमारा नया फ्रैक्शन क्या थ्री दट इज ऑल्सो इक्वल टू फोर इज टू सिक्स मीन अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिवाइड करें तो रेशो क्या रहेगी सेम रहेगी नाउ एग्जाम्पल से देखते हैं इनको फाइंड द रेशो ऑफ फॉलोइंग इन देअ सिंपलेस्ट फॉर्म ए पार्ट देखते हैं थर्टी एंड फिफ्टीन सॉल्यूशन देखते इसका हम रेशो ऑफ थर्टी टू फिफ्टीन थर्टी टू फिफ्टीन थर्टीन अपॉन फिफ्टीन अब दोनों क्या हो रहे हैं फिफ्टीन टू जा थर्टी तो फिफ्टीन वन जा फिफ्टीन फिफ्टीन टू जा थर्टी तो क्या हुआ टू अपॉन वन या टू इज टू वन क्या रहा रेशियो क्या रहा टू इज टू वन ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है टू और वन क्या हो रहे हैं किसी भी सेम या कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे है. तो इसे क्या बोलते हैं पार्ट देखते है इसका एट एम एल एंड टेन एल सोल्यूशन देखते हैं वी नो दैट इसमें देखो एक मिलीलीटर है और एक लीटर है यूनिट सेम है लेकिन एक बड़ी यूनिट और एक छोटी यूनिट हम क्या करेंगे बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता नाउ रेशियो ऑफ एट एम एल टू टेन थाउजेंड एम एल हमने क्या किया दोनों को मिली लीटर में कन्वर्ट कर लिया अब दोनों का रेशियो निकालेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे जब एट हमारा क्या एट वन जाए एट और टेन थाउजेंड को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ट्वेल्व फिफ्टी तो रेशियो कितना रहा क्योंकि अब दोनों किसी भी कॉमन नंबर से वो डिवाइड नहीं हो रहे दैट दिपले वन इज टू ट्वेल्व फिफ्टी राइट नाउ सी पार्ट टेन मंथस टू टू ईयर्स टेन मंथस एंड टू ईर्स सोल्यूशन देखते हैं इसका देखो अब दोनों क्या है टाइम है एक मंथ्स में है और एक ईयर में तो हम क्या करेंगे ईयर वाले को

क्स्ट एग्जाम्पल द स्ट्रेंथ ऑफ ए क्लास इज फिफ्टी आउट ऑफ विच थर्टी आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स टू दर्ल्स इन द्लास सोल्यूशन देखते हैं इसका द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास कितनी है फिफ्टी स्टूडेंट कितने हमारे ऑफ बॉयज कितने थर्टी कितने हैं थर्टी बॉयज हैं तो गर्ल्स इन द्वारा हमें क्या निकालना है फाइंड द द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स तो पहले क्या बोला है? गर्ल्स तो पहले हम क्या करेंगे नंबर ऑफ बॉयज रखेंगे इज टू नंबर ऑफ गर्ल्स तो रिक्वायर्ड क्या रहेगा नंबर नंबर ऑफ ऑफ डिवाइडेड बाय गर्ल्स जैसे गिवन है हम गर्ल्स का रेशो आगे और बॉयज का पीछे नहीं करेंगे क्योंकि हमें निकालना क्या है टू गर्ल्स तो बॉयज को ऊपर लिखेंगे गर्ल्स को नीचे कितना है थर्टी बाय ट्वेंटी जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा थ्री बाय टू तो रेशो क्या रही थ्री इज टू टू दैट इज बॉयज टू गर्ल्स नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वीवेंट रेशोज मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ द रेश बाय द सेम नोन जीरो नंबर वी गेट ए रेशो इक्वीवेंट टू द गिवन रेशो एग्जाम्पल से करते हैं इसको हम फाइंड थ्री इक्वीवेंट रेश ऑफ टू इज टू थ्री सोल्यूशन टू इज टू थ्री इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे टू बाई थ्री टू बाय थ्री इक्वीवेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके क्योंकि यहाँ टू बाई थ्री है तो डिवाइड तो कर नहीं पाएंगे तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो टू बाई थ्री को हमने मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले किससे किया टू से मल्टीप्लाई किया टू टू झा फोर थ्री टू झा सिक्स तो फोर इज टू सिक्स हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया फिर हमने थ्री से किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो कितना आया सिक्स इज टू नाइन फिर हमने किससे किया फोर से किया एट इज टू ट्वेल्व तो हमने क्या किया सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया और जो रिजल्टिंग रेशियो है इक्वीवेंट रेश टू इज टू थ्री हेन्स फोर इज टू सिक्स कॉमा सिक्स इज टू नाइन एंड एट इज टू ट्वेल्व आर इक्विवेलेंट रेशोज ऑफ टू इज टू थ्री ये सारी क्या है इसकी इक्विवेलेंट रेशोज नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेरिजन ऑफ रेशियोज कंपेयर टू गिवन रेशोज फर्स्ट कन्वर्ट द रेशोज इन टू फ्रैक्शन एंड देन कंपेयर द फ्रैक्शन बाई इक्विलाइजिंग द डिनोमिनेटर एग्जाम्पल से करते हैं इसको हम विच रेशियो इज ग्रेटर इन थ्री इज टू फोर और फाइव इज टू सिक्स सोल्यूशन करते हैं इसका सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे थ्री इंस टू फोर इज इक्वल टू थ्री बाय फोर यह फ्रैक्शनल फॉर्म है

डिनोमिनेटर ट्वेल्व बनाने के लिए फर्स्ट वाले में थ्री बाय फोर में फोर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ट्वेल्व हो जाए 4, 3, 12. लेकिन हम दोनों को और दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या करेंगे थ्री से मल्टीप्लाई तो हमारा नया फ्रैक्शन आया बाय ट्वेल्व ऐसे ही फाइव को किससे मल्टीप्लाई करें कि ट्वेल्व हो टू से सिक्स टू झा ट्वेल्व तो दोनों को करेंगे तो हमारा आया टेन बाय ट्वेल्व अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर क्या है इक्वल है क्लियरली कैसे करते हैं जब हमारे डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो जो न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन भी हमारा क्या होता है तो टेन बाय ट्वेल्व इज ग्रेटर बाय ट्वेल्व राइट और इनके ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थे फाइव बाय सिक्स इज ग्रेटर और रेशियोज में कैसे लिखेंगे Hence, राइट नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल अ गोल्ड स्मिथ मिक्सेस गोल्ड एंड कॉपर इन द रेशो फाइव इज टू एट अनदर गोल्ड स्मिथ मिक्सेस दीज इन द रेशो ऑफ सेवन इज टू टू विच क्वालिटी इज बेटर सोल्यूशन करते हैं इसका पहले दोनों रेशोस को किसमें कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में दोनों का एलसीएम लेके हम डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे और कंपेयर करेंगे तो फाइव इज टू एट को लिखेंगे एलसीएम लेंगे नाउ ऑफ एंड और का LCM कितना आया एट नाउ फाइव बाई एट ऑलरेडी एट है तो वन से मल्टीप्लाई करके सेम रेशियो रहा हमारा सेम फ्रैक्शन रहा फाइव बाई एट सेवन बाय टू में टू को किससे मल्टीप्लाई करें कि एट हो जाए फोर से क्योंकि टू फोरजा एट तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फोर से मल्टीप्लाई किया और हमारा नया फ्रैक्शन आया ट्वेंटी एट बाई एट अब हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ी रेशियो है या बड़ा फ्रैक्शन है और जिसका छोटा है वो छोटा तो क्लियरली ट्वेंटी एट इज ग्रेटर देन फाइव तो ट्वेंटी एट बाई एट इज ग्रेटर देन फाइव बाई एट और ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था इसका सेवन बाय टू इज ग्रेटर देन फाइव बाय एट सो सेवन इज टू टू इज ग्रेटर देन फाइव इज टू एट ठीक है रेशोज में हैंस तो कौन सा गोल्ड्स में ज्यादा अच्छा है हैंड्स सेकेंड क्वालिटी इज बेटर नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीज़न ऑफ ए क्वांटिटी इन अ गिवन रेशो Let p be the quantity which is to be divided in the ratio a is to b. Then, first part a upon a plus b is multiplied by p, and second part b upon a plus b is multiplied by p. For example, mother wants to divide rupees 56 between her two daughters. Parul and Priya. इन द रेशो ऑफ देयर एजेस पारुल इज नाइन ईयर्स ओल्ड एंड प्रिया इज फिफ्टीन ईयरस ओल्ड फाइंड द अमाउंट गोट बाई डॉटर देखो सोल्यूशन करते हैं इसका कैसे डिवाइड करेंगी वो किस रेशो में डिवाइड करना है उनकी एज की रेशो में तो रेशो ऑफ पारुल्स एज टू प्रिया एज पारुल की एज कितनी है नाइन ईयर्स और प्रिया की कितनी है फिफ्टीन तो क्या रेशो रही नाइन अपॉन फिफ्टीन दोनों थ्री से डिवाइड हो रहे हैं थ्री थ्री नाइन थ्री फाइव क्या, क्या करेंगे दोनों का सम निकाल दैट इज थ्री तो is, 3 प्लस फाइव इज इक्वल टू एट अमाउंट टू तो बी डिस्ट्रीब्यूटेड कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने सिक्स रुपीज कितने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं फिफ्टी सिक्स रुपीज शेयर ऑफ पारुल कैसे निकालेंगे शेयर ऑफ पारुल पारुल का रेशो क्या है थ्री सम ऑफ रेशोस क्या है एट और कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी सिक्स एट वन जाय ठीक है एट वन जाए एट और एट की टेबल में फिफ्टी सिक्स कहां आता है कहाँ आता है जा पे एट सेवनजा फिफ्टी सिक्स और सेवन को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया ट्वेंटी वन रुपीज राइट right? हमने क्या किया है हमने जो रेशो आई है उसका सम निकाला है राइट right? उसका क्या निकाला है सम निकाला है राइट right? ऐसे ही हमने शेयर ऑफ प्रिया प्रिया का रेशो क्या है फाइव टोटल रेशो क्या है एट तो फाइव बाई एट कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है फिफ्टी सिक्स एट वन जाए एट एट सेवनजा फिफ्टी सिक्स और सेवन फाइव थर्टी फाइव राइट हें पारुल गोट रुपीज ट्वेंटी वन एंड प्रिया गोट रुपीज थर्टी फाइव नाउ नेक्स्ट इज ट्राई दीज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फोल्स फर्स्ट फोर इंस टू सेवन इज इक्वल टू ट्वेंटी इंस टू थर्टी फाइव हम क्या करेंगे देखो फोर इंजू सेवन तो ऑलरेडी सिंपलेट फॉर्म में है ट्वेंटी इज टू थर्टी फाइव को सिंपलेट फॉर्म में कन्वर्ट करो क्या होगा फाइव से करेंगे ना फाइव फोर साफ ट्वेंटी एंड फाइव सेवनजा थर्टी फाइव सेम आ गया दैट दे आर इक्वल ये क्या है हमारा ट्रू है तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रपोशन इफ टू रेशोज आर इक्वल वी से दैट दे आर इन प्रपोशन एंड यूज द सिंबल क्या सिंबल यूज करेंगे दिस और इक्वल टू इक्वेट देम कंसिडर द फोर नंबर ए बी सी एंड डी दीज नंबर्स आर सेट टू बी इन प्रपोर्शन इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी कब होंगे जब हमारा ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी वी राइट इट एज कैसे लिखेंगे A is to B is proportionate to C is to D and read as A is to B as C is to D. Here, A, B, C, D are respectively known as first, second, third, and fourth term of the given proportion. The first and fourth term are called extreme terms and the second and third terms are called mean terms. is kya ka hai? first and fourth term are called the extremes and second and third term are called the means right in a proportion a is to b is to c is to d we always have a multiplied by d is equal to b multiplied by c means extreme terms ka multiplication is equal to multiplication of mean terms that is product of extremes is equals to product of means राइट right? एग्जाम्पल से देखते हैं इसको हम आर ट्वेंटी कोमा फिफ्टी कोमा सिक्सटी कोमा वन फिफ्टी इन प्रोपोर्शन सॉल्यूशन देखते हैं इसका वी हैव ट्वेंटी इज टू फिफ्टी हम इनको कैसे ले लेते हैं ट्वेंटी इज टू फिफ्टी क्या है हमारा क्या बनेगा ट्वेंटी बाय फिफ्टी दैट इज टू बाय फाइव सिक्सटी बाय सिक्सटी इज टू वन फिफ्टी

ट्वेल्व तो वह अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो रहा है अपोजिट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा डिवाइड हो गया इनको सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सिक्सटी टू द थर्ड टर्म ऑफ द गिवन प्रपोर्शन इज सिक्सटी टू नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इन अ स्पोर्ट्स मीट ग्रुप्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर टू बी फॉर्मड ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ फोर बॉयज एंड सिक्स गर्ल्स हाउ मेनी गर्ल्स आर रिक्वायर्ड इफ नाइनटी सिक्स बॉय आर अवेलेबल फॉर सच ग्रुपिंग सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या दे रखा है हमें रेशियो दे रखा है फोर बॉयज एंड सिक्स गर्ल्स तो रेशियो बिट्वीन बॉयज एंड गर्ल्स इन ए ग्रुप इज इक्वल टू फोर इज टू सिक्स क्या दे रखा है फोर इज टू सिक्स इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में किया फोर बाय सिक्स टू टू झा फोर टू थ्रीजा सिक्स तो रेशो क्या आया टू इज टू थ्री राइट तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स रिक्वायर्ड कितनी गर्ल्स चाहिए हमें वो ले लिया हमने x राइट right? तो उसके बाद क्या है रेशो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इज इक्वल टू हमारे बॉयज कितने हैं 96 उसके अगेंस्ट हमें कितनी गर्ल्स चाहिए वो क्या है हमने x ले ली तो दोनों का प्रोपोर्शन क्या रहेगा सेम सो वी हैव टू इज टू थ्री ये हमारा रेशो है प्रोपोर्शनेट टू नाइंटी सिक्स इज टू एक्स वही सेम फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मींस एक्सट्रीम्स क्या है हमारे टू मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है थ्री मल्टीप्लाई बाय नाइनटी सिक्स हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है एक्स के साथ टू क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है उसको अपोजिट साइड जाके क्या कर देंगे डिवाइड तो एक्स इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई बाय नाइन्टी सिक्स डिवाइडेड बाई टू सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा वन हंड्रेड फोर्टी फोर हैं वन हंड्रेड फोर्टी फोर गर्ल्स आर रिक्वायर्ड नाउ नेक्स्ट इज ट्राई दीज फिल इन द ब्लैंक्स नंबर वन डैश इज यूज टू रिप्रेजेंट ए प्रपोर्शन प्रपोर्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम फॉर डॉट्स राइट नाउ नंबर टू देर आर डैश टर्म्स इन ए प्रपोर्शन कितनी टर्म्स होती है टू रेशोज होती है ना तो टोटल कितनी टर्म्स फोर कितनी टर्म्स फोर नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ आप खुद करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मींस प्रोपोर्शन आर कॉल्ड फर्स्ट और फोर्थ क्या कहलाती है एक्सट्रीम्स तो ये दोनों क्वेश्चन आप खुद इनके फिलअप करेंगे नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टिन्यूड इन ए प्रपोशन सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर इक्वल देन द प्रोपोशन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन सेकेंड और थर्ड टर्म अगर एक होती है सेम होती है इक्वल होती है तो वो क्या कहलाता है कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन एग्जाम्पल से देखते हैं इसको फॉर एग्जाम्पल इफ वन इज टू टू प्रपोर्शनेट टू टू इज टू फोर यहां पर हमारी सेकेंड और थर्ड टर्म क्या है टू देन वी से दैट वन कमा टू फोर आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन कॉन्टिन्यूड का मतलब है सेकेंड और थर्ड टर्म हमारी क्या है सेम है मैथ इफ ए बी एंड सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन देन बी इज कॉल्ड मीन प्रपोर्शन टू ए एंड सी एंड सी इज कॉल्ड थर्ड प्रपोर्शनल दस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी तो हमारा क्या बनेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी एग्जांपल से देखते हैं इसको इफ थ्री कॉमा एक्स कॉमा टwelve आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सॉल्यूशन देखते हैं इसका सिंस थ्री कॉमा एक्स कॉमा टwelve आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है सेकंड और थर्ड टर्म सेम है दैट इज इस थ्र

12, X multiply by X, क्या हो गया तो 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 किसका right? है का और की कितनी हमारी मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन नाइन एंड सिक्सटीन हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम

मैथड इन विच द वैल्यू ऑफ वन यूनिट इज फर्स्ट ऑबटेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट इज कॉल्ड यूनिट्री मैथड क्या होता है जब हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए पहले हम वन यूनिट की वैल्यू निकालते हैं द सिंपल रूल्स यूज इन दिस मैथड आर ए टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई अगर हमें ज्यादा निकालने हैं तो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई राइट सेकेंड बी पार्ट क्या है टू गेट लेस अगर हमें कम निकालना है तो हम क्या कर देंगे डिवाइड राइट एग्जाम्पल से देखते हैं इसको हम इफ फाइव पेन्स कोस्ट रुपीज फोर्टी फाइव हाउ मच वुड एट पेन्स कोस्ट सोल्यूशन देखते हैं इसका हमें क्या गिवन है फाइव पेन की कोस्ट कोस्ट ऑफ फाइव पेन्स फाइव पेन्स की कोस्ट कितनी है फोर्टी फाइव रुपीज राइट हमें पहले क्या निकालना है हमें एट पेन की कोस्ट निकालना है लेकिन पहले हम क्या निकालेंगे यूनिटरी मेथड में हम एक सिंगल यूनिट की कोस्ट निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ वन पेन क्या रहेगा पांच पेन फोर्टी फाइव में आए तो एक पेन ज्यादा का आएगा कम का कम का आएगा तो क्या करेंगे डिवाइड लेस है लेस पेन्स हैं लेस कोस्ट तो हम क्या कर देंगे डिवाइड तो फोर्टी फाइव बाई फाइव तो एक पेन की कॉस्ट कितनी आई हमारी नाइन रुपीज हमें कितने की निकालनी है एट पेन्स की तो कॉस्ट ऑफ एट पेन्स एट पेन क्या है क्वांटिटी ज्यादा है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई एक पेन नौ रुपए का है तो आठ पेन कितने के आएंगे ज्यादा के ना तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई मोर पे मोर कॉस्ट तो नाइन मल्टीप्लाई बाई एट इज इक्वल टू रुपीज सेवेंटी टू तो आठ पेन कितने के आएंगे हमारे सेवनटी टू रुपीज के हैंस्ट ऑफ एट पेन इज रुपीज सेवेंटी टू नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्जेस रुपीज एटीन हंड्रेड टू कैरी ट्वेंटी फाइव टन ऑफ वेट वट विट चार्ज टू कैरी सेवन हंड्रेड फिफ्टी के जी ऑफ वेट सोल्यूशन देखते हैं इसका हम वी नो दैट वन टन इज इक्वल टू वन थाउजेंड के जी एक टन किसकेक्वल होता है वन थाउजेंड के जी के इक्वल राइट तो हमारे पास क्या है कॉस्ट ऑफ कैरिंग ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के जी ऑफ वेट 25 टनस है तो कितना हो गया 25000 केजी ऑफ वेट कितने में 1800 रुपीस में राइट right? हमें क्या निकालना है 750 केजी का लेकिन पहले क्या निकालेंगे यूनिटरी मेथड में 1 केजी का वेट निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 केजी ऑफ वेट तो 1 केजी 25000 से 1 केजी क्या है कम क्वांटिटी है तो क्या करेंगे हम वेट लेस है तो लेस कॉस्ट तो 1 केजी का कॉस्ट क्या रहेगा 1800 25000 हमें कितने का निकालना है कितने की कॉस्ट निकालनी है कॉस्ट ऑफ कैरिंग 750 केजी ऑफ वेट तो 750 का ये क्या है 1800 25000 1 केजी को कैरी करने की कॉस्ट है 750 की क्या होगी ज्यादा तो हमने इसी में 1 केजी को कैरी करने की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया 750 से तो ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ कैरिंग 750 फिफ्टी ऑफ वेट मोर वेट मोर कॉस्ट तो जब इसको हम पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितने आएंगे रुपीज फिफ्टी फोर हैं कॉस्ट ऑफ कैरिंग 750 हंड्रेड फिफ्टी ऑफ वेट इज रुपीज फिफ्टी फोर नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 12 men कैन रीप ए फील्ड इन ट्वेंटी फाइव डेज इन हाउ मेनी डेज कैन ट्वेंटी मैन रीप द सेम फील्ड सोल्यूशन देखते हैं इसका क्लियरलीस मैन विल टेक मोर डेज कम आदमी ज्यादा दिन लेंगे ज्यादा आदमी कम दिन लेंगे एंड मोर मैन विल टेक लेस डेज ट्वेल्व मैन कैन रीप द फील्ड इन ट्वेंटी फाइव डेज बारह आदमी ट्वेल्व मैन कितने दिन में रीप कर रहे हैं ट्वेंटी फाइव डेज में हमें निकालना है वन मैन एक आदमी को कम लगेगा ज्यादा लगेगा ज्यादा दिन लगेगा ना तो वन मैन कैन रीप द फील्ड इन ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई ट बारह लोग पच्चीस दिन में कर रहे हैं तो एक को तो ज्यादा दिन लगे ना काम करने में तो ट्वेंटी मोर डेज हमें कितना निकालना है कि ट्वेंटी मैन कितने दिन में काम करेंगे ट्वेंटी मैन एक मैन जितने दिन में कर रहा है अगर उसकी जगह ट्वेंटी लगा दे तो क्या हो जाएगा कम दिन में काम होगा तो क्या करेंगे डिवाइड तो ट्वेंटी मैन कैन रीप द फील्ड इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाई का काम राइट right? कि एक आदमी कितने दिन में काम करेगा कितने मैन है ट्वेंटी तो उसको कर देंगे डिवाइड तो कितना आ जाएगा सिंप्लीफाई करके फिफ्टीन डेज मोर मैन लेस डे ज्यादा आदमी कम दिन हैं ट्वेंटी मैन कैन रीप द फील्ड इन फिफ्टीन डेज तो इसी तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे आई होप आपको चैप्टर समझ आया इसका रिवीजन खुद कीजिए